नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्र सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। आज से ठीक 34 साल पहले 1984 में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगे में जिन लोगों को दोषी पाया गया था उनमें से 88 लोगों ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सुनवाई करते हुए सभी 88 दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें, कड़कड़गुमा कोर्ट ने 1996 में लगभग 107 लोगों को दंगा भड़काने के आरोप में और साथ ही धारा 144 का उल्लंघन करने, लोगों की हत्या करने और साथ ही घरों को जलाने के आरोप में 5 साल की सजा 107 लोगों को सुनाई गई थी, जिसको लेकर 88 लोग दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ गए थे और उस पर यह दलील थी कि वो दोषी नहीं है, उनकी सजा को कम किया जाए। और कल दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर सुनवाई की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। आपको बता दें, 2 नवंबर 1984 को दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में सिख विरोधी दंगे हुए थे और जिसमें 95 लोगों की जान गई थी। धारा 144 यानी कर्फ्यू के दौरान इन लोगों ने वहां लोगों की हत्याएं की, इन पर आरोप ऐसा लगा और साथ ही यह भी कहा गया कि लगभग 100 घरों को जलाया गया, 95 लोगों के शव वहां से बरामद किए गए, जिसके बाद किसी पर भी हत्या का मुकदमा जो था वो दर्ज नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई हुई और लगभग 107 लोगों को दोषी पाया गया और जिसके बाद जो दोषी पाए गए थे उनमें से लगभग 80 से ज्यादा लोगों की अपील पर सुनवाई करी गई और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सितंबर में सुरक्षित रखा था, लेकिन एक बार फिर से कल इस फैसले पर सुनवाई की गई और जिसमें सभी दोषियों की सजा को बरकरार रखा। और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।